एवरीवन, तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का लेसन नंबर 2 अम्ल सारक एवं लवण। और इसमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था साधारण नमक सोडियम क्लोराइड से बनने वाले यौगिक। उसमें हमने पढ़ लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, और एक पढ़ा था हमने सोडियम कार्बोनेट मतलब धावन सोडा। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन ये दोनों सोडियम क्लोराइड से नहीं बनते, लेकिन ये है इसी चैप्टर में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। विरंजक चूर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नाम सुना ही होगा, ब्लीच तो सुना ही होगा। ब्लीच का मतलब होता है कपड़े में जो रंग होता है उसको, उसके रंग को हटाने के लिए ब्लीचिंग की जाती है। तो वही ब्लीचिंग पाउडर है ये, जो ब्लीचिंग करने में काम आता है। तो वही पढ़ना है जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रत्येक यौगिक का उसका साधारण नाम पता होना चाहिए, रासायनिक नाम पता होना चाहिए, उसकी बनाने की विधि, उसका सूत्र और उसके उपयोग। तो यही इसमें हम पढ़ेंगे। तो विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ये तो हो गया इसका साधारण नाम, कॉमन नेम। और इसका रासायनिक नाम क्या है, जो इसमें चीजें हैं, जैसे पहले बताया था, जो भी उसके सूत्र में होता है वही उसका रासायनिक नाम होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन है और क्लोराइड क्लोरीन है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब है इसको बनाने की विधि, इसको कैसे बनाया जाता है। स्लैग लाइन जो होता है, बुझा हुआ चूना CaOH2, उसमें से हम क्लोरीन गैस को गुजार देंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखो ये मत समझना कि ये पहले ही लिख दिया है और सिर्फ इसी को पढ़ रहे, ये तो मैंने पहले इसलिए लिख दिया ताकि इस टाइम को बचाया जा सके, क्योंकि साथ के साथ में लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो विरंजक चूर्ण कैसे बना जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग लाइन, बुझा हुआ चूना, इसमें से क्लोरीन गैस को गुजार देंगे तो हमें ये प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ये पाउडर के रूप में प्राप्त होता है, सफेद सा पाउडर होता है, जैसे चूना होता ना वैसे ही ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, बहुत तेज क्लोरीन की गंध आएगी इस पाउडर में से। देखो ये विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का मतलब होता है रंज का मतलब, रंजक मतलब रंग, विरंजक का मतलब है रंग को हटाने वाला। तो इसका प्रयोग हम रंग को हटाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा यौगिक रंग को हटाने में काम आता है, नहीं। इस यौगिक में केवल क्लोरीन ऐसी है, क्लोरीन जो ये इस सूत्र में लिखी हुई है, क्लोरीन ऐसी चीज है जो ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है, मतलब विरंजन का कार्य करती है। इस क्लोरीन के लिए इस यौगिक को बनाया गया है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन गैस को हम वैसे स्टोर नहीं कर सकते, मतलब भंडारित नहीं कर पाएंगे, इसलिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में क्लोरीन को भंडारित कर लिया। मतलब ये समझ लो कि विरंजक चूर्ण तो क्लोरीन गैस को रखने के लिए है, जबकि काम की चीज तो सिर्फ क्लोरीन गैस है, हम इसको ऐसे इकट्ठा नहीं कर सकते, भंडारित नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बना लिया और इसके अंदर क्लोरीन को डाल दिया, या क्लोरीन इसके अंदर होती है। जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसमें जो काम की चीज निकलेगी वो क्लोरीन गैस ही होगी। क्लोरीन गैस काम की क्यों है, क्योंकि क्लोरीन गैस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, मतलब ऑक्सीकारक का काम करती है, किसी दूसरे पदार्थ का ये ऑक्सीकरण कर देती है। और ऑक्सीकरण करने से बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका रंग फेड हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, विरंजक चूर्ण में जो काम की चीज है वो होती है क्लोरीन, ठीक है भी। और इस क्लोरीन को हम कैसे मुक्त करवा सकते हैं, इस विरंजक चूर्ण को ले लो और इसकी किसी अम्ल से अभिक्रिया करवा दो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे ये ले लिया हमने और इसकी H2SO4 से अभिक्रिया करवा दी, हमें प्राप्त होगी ये क्लोरीन गैस। और यही क्लोरीन गैस है जो विरंजन का कार्य करती है, ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि ये एक
ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकरण से रंगों का जो तेज है वो फीका पड़ जाता है, मतलब जो अधिक डार्क रंग होते हैं वो फेड हो जाएंगे ऑक्सीकरण से। तो इसके उपयोग क्या है, मतलब इस विरंजक चूर्ण का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं? देखो एक तो सीधी सी बात है, इसका प्रयोग विरंजक चूर्ण के रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का मतलब भाई ब्लीचिंग पाउडर, कपड़े को ब्लीच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, कपड़े बहुत सारे धागे आते हैं, जो नए धागे बनाए जाते हैं फैक्ट्री में, उनसे फिर कपड़े बनते हैं, तो उस धागे को ब्लीच करने के लिए जो रेयन के, नायलॉन वगैरह के धागे होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वुड पल्प को, वुड पल्प मतलब जो लकड़ी का पल्प होता है ना, गुद्दा, जिससे हम पेपर वगैरह बनाते हैं, तो उसके ब्लीचिंग में भी हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। रोगाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक मतलब इसका प्रयोग हम पानी में करते हैं, पानी में डाल देते हैं, पानी में डालेंगे देखो इसमें क्लोरीन है, पहले ही बता चुका हूँ क्लोरीन गैस रोगाणुनाशक होती है। बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन गैस पानी में डाली जाती है और विरंजक चूर्ण भी क्लोरीन गैस देता है, तो इसलिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग भी रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। क्लोरोफॉर्म क्या, आपने सुना वो मूवीज में देखा भी होगा ना कि वो उसको किसी को भी कोई लिक्विड सा सुंघा देंगे और वो बेहोश हो जाता है, वो था क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में हम विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा ना कि आज तो स्वेटर ऑफिस के लिए खरीदा है या मॉर्निंग वॉक के लिए खरीदा है, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं ये तो एक ही स्वेटर है और नया जैसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि नया इजी, इजी में क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है जो ऊन को सिकुड़ने नहीं देता। ठीक है भाई, तो ये तो था क्या विरंजक चूर्ण, याद क्या करना है, रासायनिक नाम, साधारण नाम, सूत्र और उपयोग तथा बनाने की विधि। बनाने की विधि मैंने लिख दी है, सिलेक्ट लाइन मतलब बुझे हुए चूर्णे में से क्लोरीन गैस गुजारेंगे तो विरंजक चूर्ण बन जाएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको बोलते हैं, नाम तो सुना ही होगा, पीओपी घरों में प्रयोग करते हैं ना, जो दीवार पे ये पेंट से पहले एक व्हाइट सा जो लगा रहता है उसको बोलते हैं पीओपी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। बोलते क्या है इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट देखो, हेमी का मतलब होता है आधा सा, हालांकि ये हाफ है, देखो हाफ, तो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट होता है, लेकिन हम लिखते क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है वो हाफ नहीं होता, मतलब पूरे से कम, उसको बोलते हैं हेमी। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉमन नाम क्या होगा भाई, पीओपी, ये इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका निर्माण मतलब पीओपी का निर्माण करते हैं किससे, जिप्सम से, और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। इस जिप्सम का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में बहुत ज्यादा होता था और इसी से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनी है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा है। क्यों? क्योंकि इस जिप्सम का प्रयोग अत्यधिक पेरिस में किया जाता था पहले, आजकल तो हर जगह होने लग गया, लेकिन पहले स्टार्टिंग में इसका प्रयोग पेरिस में अत्यधिक होता था और इससे बनाई गई है प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। बनाने की विधि क्या है, देखो हमें पता है, क्या पता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, क्या होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसमें दो क्रिस्टलीकरण जल के अणु है, ये लिखा है ना CaSO4 2H2O, ये लिखा है, और हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए CaSO4 1/2H2O। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा CaSO4 1/2H2O, लेकिन अब सोचो अगर हम इसको गर्म करेंगे तो आधा ही जल का अणु कैसे आ जाएगा, इसमें से 3/4 वो तो चले गए, दो तिहाई जल के अणु तो चले गए, ये बच गए बस इतना सा, तो इतना सा भी कैसे बच गया, ये पूरा ही चला जाएगा। ये बचता क्यों है, क्योंकि जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसको कंट्रोल्ड हीटिंग दी जाती है। कंट्रोल्ड हीटिंग का मतलब है
इसको मतलब गर्म तो किया जाएगा लेकिन उसकी जो हीटिंग जो की जाएगी मतलब उसका उष्मा जो है एक निश्चित मात्रा में दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे तापमान को। तो ये ले ली, इसको सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देंगे। अगर केल्विन में बदले तो 373 केल्विन, आपको पता ही है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो 273 जोड़ देते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पे गर्म कर दिया इसको, इससे ज्यादा तापमान नहीं करना। इससे ज्यादा तापमान अगर हम कर देंगे तो ये जो पानी इसके साथ बच गया ना, ये भी निकल जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा कैल्शियम सल्फेट। देखो ये कैल्शियम सल्फेट है ये, लेकिन इसके साथ जल के दो अणु है तो ये कैल्शियम सल्फेट है हाइड्रेटेड, और यहाँ कैल्शियम सल्फेट ये तो जल के अणु बिल्कुल भी नहीं है इसके साथ, तो ये होगा अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है भाई, इसको जो जिसमें जल के बिल्कुल भी अणु नहीं होते इसको बोलते हैं डेड बर्नट जिप्सम। ठीक है भाई, डेड बर्नट जिप्सम कह सकते हो या प्लास्टर कह सकते हो, डेड बर्नट प्लास्टर, समझ गए, जिसमें जल के अणु एक भी नहीं है। और ये कब होएगा, जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक उष्मा पे गर्म कर देंगे तो इसमें जल का आधा भी अणु नहीं बचेगा, तब ये बिल्कुल ड्राई कंडीशन में मिलेगा और उस समय इसका नाम पड़ेगा डेड बर्नट प्लास्टर। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जल के आधे अणु हो सकते हैं, नहीं भाई, जल के आधे अणु कभी नहीं हो सकते हैं। मैं जो ये लिख रहा हूं बार बार CSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, ये जो लिख रहे हैं जल के क्या आधे अणु हो सकते हैं, नहीं, जल के कोई आधा अणु कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जल का एक अणु कैल्शियम सल्फेट के दो अणुओं के साथ जुड़ता है, मतलब दूसरे शब्दों में हम कहें CaSO4 H2O CaSO4 ये लिख सकते हैं, मतलब एक जल के अणु दो कैल्शियम सल्फेट से जुड़ता है। तो जब एक के हिस्से में कितना आया तो आधा ही आया, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ठीक है, कहने का मतलब क्या, जब हम ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनती है ना, इसमें जल तो है, कम है ना, बहुत कम जल है, बाकी कहां गया, हमने गर्म कर दिया बाकी तो चला गया, तो कम जल बचा। अब बहुत सारे कैल्शियम सल्फेट के अणु जो है वो जल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो एक ये भी खींच रहा है इसको और ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो दो कैल्शियम सल्फेट के अणुओं ने जल के एक अणु को बांध दिया, तो हमें ये प्राप्त होगा क्या, क्या प्राप्त हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है भाई, बात समझ आएगी। अब पीओपी जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हमेशा ही वायुरोधी या नमी रोधक बर्तन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि CaSO4 हाफ H2O ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पानी के संपर्क में आकर H2O के संपर्क में आकर ये बदल जाता है किसमें, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ठीक है, जिप्सम दोबारा से जिप्सम में बदल जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा, जैसे इसको पानी मिलेगा, पानी मिलने से ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा और एक सॉलिड मास बन जाएगा, ठोस मास, एक ये समझ लो एक हार्ड चीज, हार्ड स्ट्रक्चर में बदल जाएगा ये पानी मिलते ही। ठीक है, इसलिए इसको नमी रोधक बर्तन में रखा जाता है, ताकि अगर इसमें नमी पहुंच जाएगी तो ये मॉइस्चर को गेन कर लेगा और सख्त हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कॉफी वगैरह का जो डब्बा होता है ना, उसमें भी वो भी नमी रोधक होना चाहिए, अगर उसमें नमी चली जाएगी तो जो हमारी कॉफी है वो बहुत हार्ड हो जाती है, उसको तोड़ना ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ही काम इसमें भी होता है, जैसे इसमें नमी जाएगी तो ये जो पीओपी है इसमें जल मिलते ही ये ठोस पदार्थ में बदल जाएगा कैल्शियम सल्फेट में। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग एक तो पता ही है पीओपी है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो घरों में दीवारों के ऊपर करते हैं इसको एकदम बिल्कुल समतल दीवार प्राप्त करने के लिए। दूसरा, खिलौने बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सांचा बनाने के लिए, सांचा मतलब बहुत सारी दूसरी जो चीजें हैं वो सांचे में डालकर बनाई जाती हैं, तो सांचा बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग
किया जाता है हड्डियों को, जैसे मान लो कोई फ्रैक्चर हो गया हड्डी में, हड्डियां देखो नॉर्मली जो हड्डियां होती है ना वो अपने आप जुड़ जाती हैं, लेकिन उसको पोजीशन पे लगाना पड़ता है। मतलब अगर हड्डी ऐसे है और ये डिसलोकेट हो गई, ऐसे खिसक गई अपनी जगह से, तो इसको वापस इस जगह पे लाके और इसको इसी जगह पे काफी दिनों तक रखना पड़ेगा ताकि ये जुड़ जाए, ठीक है। तो इसको इस जगह पे इस पोजीशन पे रखने के लिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इन इस ज्वाइंट के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के और थोड़ा उसके पानी डाल देंगे। ये क्या होएगा, ये सख्त हो जाएगा, दो तीन घंटे में आधे घंटे में क्या होगा, ये इतना सख्त हो जाएगा कि ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं और कुछ दिन में हड्डी आपस में जुड़ जाएगी। तो हड्डियों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है भाई। उसके बाद है सजावटी सामान बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, चौक बनाने के लिए, अग्निरोधक बर्तन बनाने के लिए। अग्निरोधक मतलब ऐसा कोई बर्तन जिसमें आग का कोई असर नहीं होता, उसको बनाने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये थी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे निर्माण हुआ जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट उसका नाम है, सूत्र क्या है, CSO4 2H2O, उससे बनता है। लेकिन याद रखना हीटिंग कंट्रोल्ड होगी, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान नहीं कर सकते। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हमने कर दिया तो जल के उसमें से सारे के सारे अणु ही निकल जाएंगे और कैल्शियम सल्फेट में जल बिल्कुल नहीं बचेगा और बन जाएगा डेड ब्रंट प्लास्टर CASO4, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीकरण जल। वैसे तो ये थोड़ा बहुत मैं पहले बता चुका हूं कि बहुत सारे लवण जो हमने देखे उनमें, जैसे बता देता हूं कैसे, CuSO4 और 5H2O, कैल्शियम सॉरी कॉपर सल्फेट देखा 5H2O लिखा होता है, FeSO4 और FeSO4 7H2O लिखा होता है, अभी हमने पढ़ा कैल्शियम सल्फेट और 2H2O होता है, एक हमने पढ़ा Na2CO3 और 10H2O होता है। तो ये जो ये पीछे लिखे हुए हैं, ये 5H2O, 7H2O, 2H2O, 10H2O, ये क्या होता है, ये होता है क्रिस्टलीकरण जल। तो क्रिस्टलीकरण जल क्या है, किसी लवण के इकाई सूत्र में, देखो ये इकाई सूत्र है, इकाई सूत्र मतलब एक सूत्र, इस इकाई सूत्र में जल के जितने अणु होते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण जल। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस लवण में ये पानी के अणु जुड़े हुए हैं तो ये मत सोचना कि ये विलयन के रूप में है, ये विलयन के रूप में नहीं है, ये आपको ठोस ही दिखाई देगा, ये ऐसे ठोस पड़ा हुआ ही दिखाई देगा, यहां तक कि ये आपको गीला भी नहीं लगेगा। इसको छू के देखोगे तो ये मत समझना कि ये गीला लगेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि जो ये 5H2O है ये इस लवण के अंदर इसकी जो विशेष संरचना होती है ना, इसका स्ट्रक्चर बनता है कॉपर सल्फेट का, उसी के अंदर जुड़ा होता है अंदर, तो बाहर इसका कोई असर नहीं होएगा, ना तो ये गीला करेगा ना ये विलयन के रूप में दिखाई देगा, ठीक है भाई। तो ये होता है क्रिस्टलीकरण जल। इस क्रिस्टलीकरण जल से इस लवण को एक विशेष संरचना मिलती है, मतलब इसका एक विशेष स्ट्रक्चर मिलता है इससे, और कई बार इसको विशेष रंग भी प्राप्त होता है, संरचना मिलती है और एक विशेष रंग भी प्राप्त होता है किसे, इस क्रिस्टलीकरण जल से। अब ये तो जल है, अगर हम इसको गर्म कर दे, मान लो CuSO4 कॉपर सल्फेट और 5H2O ये ले लिया और हमने इसको कर दिया गर्म, तो क्या होगा, गर्म करने पर अभी तो पढ़ा था हमने कैल्शियम सल्फेट 2H2O को गर्म कर दिया तो जल के अणु उसमें से निकल जाएंगे, ऐसा ही इसमें कॉपर सल्फेट 5H2O है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसमें से ये जो क्रिस्टलीकरण जल है ये निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है शुष्क कॉपर सल्फेट, मतलब अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब मैंने बताया था कि ये जो जल के अणु है इस लवण को विशेष संरचना प्रदान करते हैं और इसको रंग भी प्रदान करते हैं, तो जब हमने इसको गर्म किया
तो वो जो रंग है वो जल के कारण था, जब जल ही चला गया तो रंग भी चला जाएगा। कैसे? जैसे भाई आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब इसको बॉइलिंग ट्यूब बोलते हैं, इस बॉइलिंग ट्यूब में हमने कोई लवण ले लिया, ये लवण ले लिया, कोई भी ले सकते हो, ऊपर सल्फेट या आयरन सल्फेट ले लो, FeSO4 7H2O ग्रीन कलर का होता है, हम पढ़ चुके हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, और ये बनेगा जो ये होता है कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता। तो आयरन सल्फेट हमने ले लिया, इसको गर्म कर दिया नीचे से भाई, जैसे हम इसको गर्म करेंगे धीरे धीरे से पहले तो नीचे वाला जो ये है ये कलरलेस होएगा, व्हाइट होएगा, जैसे जैसे पानी इसका निकलता रहेगा भांप बन के और ये रंग पलटता रहेगा, और जब सारा पानी चला जाएगा मतलब क्रिस्टलीकरण जैसे ही चला जाएगा तो ये हो जाएगा कैसा, कलरलेस, रंग परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन यह अभिक्रिया रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल का मतलब है इसको दोबारा से हम रंगीन कर सकते हैं, जैसे CuSO4 और H2O तो बाहर निकल गया था, अब ये जो ड्राई है CuSO4 अगर इसको तुम खुले में रख दोगे तो ये दोबारा से नमी को पकड़ लेगा H2O और दोबारा से कॉपर सल्फेट और 5H2O इसमें परिवर्तित हो जाएगा, दोबारा से फिर से ब्लू हो जाता है। ठीक है भाई, तो क्रिस्टलीकरण जल हो गया ये। तो हम लगभग क्या पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी इसमें जो मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर में, अगर कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, या कोई ऐसी चीज जो मैंने कभी गलत बोली हो इसमें, या मुंह से कई बार फ्लो में कोई ऐसी चीज निकल भी जाती है, जैसे मैं बोलता हूँ कि अम्ल को अम्ल में डाला है, जैसे बोलना था जल को अम्ल में डालो तो जल को जल में डालो, ऐसे कई बार निकल जाता है, तो उसको इग्नोर करो थोड़ा और इन चीजों पे ध्यान दो बस। ठीक है भाई, तो आज हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, वीडियो को देखना है और अच्छे से उनको रिवाइज करते रहना है, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, उस वीडियो में इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ही डाले जाएंगे बस, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।